अगर आप मोटर के अंदर एक नई ऑयल सील बैठाते हैं और नई ऑयल सील बैठाने के बाद भी आपकी जो ऑयल सील है वो लीकेज रहती है, आपकी जो मोटर है उसके अंदर से पानी लीक रहता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। और यदि आप नई ऑयल सील बैठाते हैं फिर भी आपकी जो ऑयल सील है वो लीक किस कारण से होती है, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप जब भी ऑयल सील बैठाते हैं तो यहाँ पे आप जो इस प्रकार की रिंग को बैठाते हैं तो आपको इस रिंग को एकदम टाइट बैठाना है। यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप इसको लूज बैठाते हैं तो यहाँ पे ऑयल सील लीक होने की संभावना होती है, तो इसको यहाँ पे आपको दबा के बैठाना है। आपको इसको देखना है कि जब भी आप निकालते हैं तो ये जल्दी से निकलना नहीं चाहिए। और उसके बाद आप जब भी ऑयल सील को शाफ्ट के अंदर बैठाते हैं तो यहाँ पे आपकी ये जो ऑयल सील है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी उसके अंदर टाइट होनी चाहिए, ये लूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो रबड़ यदि लूज रहता है तो आपकी जो ऑयल सील है वो लीकेज हो सकती है। तो यदि यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि ये लूज है तो आपकी जो मोटर की जो शाफ्ट है उसको भरवाना है। आप देख सकते हैं कि यदि ये जो शाफ्ट है वो ख़राब हो जाती है तो आपको लेट मशीन में जाके उसको भरवाना होता है। ये जो रबड़ होता है जो कि ऑयल सील का होता है ये इसके अंदर टाइट आना चाहिए, आपकी जो ऑयल सील है वो इस शाफ्ट के अंदर टाइट आनी चाहिए, तब जाके आपकी जो ऑयल सील है वो लीकेज नहीं रहती। क्योंकि जब भी ऑयल सील चलती है तो वो ये जो सीमेंट की रिंग मिलती है आपको इसके ऊपर चलती है, और यहाँ पे जो पीछे वाला भाग है वो इसके अंदर टाइट होना चाहिए और जो आगे वाला जो भाग है वो शाफ्ट के अंदर टाइट होना चाहिए, तो आपकी जो ऑयल सील है वो लीकेज होने की संभावना नहीं होती है। फिर भी यदि आपकी ऑयल सील लीक होती है तो इसका मतलब ये कि आपकी जो ऑयल सील है वो ख़राब है, तो आपको दूसरी ऑयल सील लगा लेनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ऑयल सील बैठाते समय आपको दोनों चीज़ को टाइट बैठाना है जिससे कि आपकी ऑयल सील लीक नहीं रहती है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।